ठाकर सच और ईमानदारी की कसमें नहीं खाते। उनका कहना है कि वो जिस तरह मोदी ने 125 करोड़ लोगों को ठगा है, उसी तरह वो भी जनता को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतेंगे। ठाकर की राय में राजनीति आज की तारीख में एक कारोबार है और बाकी नेताओं की तरह वो भी जीतने के बाद पैसा बनाएंगे। कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है, क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ भाई। इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसी उसमें कोई ना काबिलियत होगी जनता को बेवकूफ बनाने की, तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने, यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा।